सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर जे एस बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, लाइफ कोच और मेंटोर भी। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जे एस बत्रा, ITSM, ESSM और इसका ग्रुप। आज हम इस सीरीज के फोर्थ वीडियो में लेके आए हैं अमेंडमेंट्स चैप्टर नंबर 4 EIS के, और इम्पॉर्टेंट इन अमेंडमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। ये सीरीज का चौथा वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज के तीन वीडियो में हम पहले आपको चैप्टर 1 में इम्पॉर्टेंट और उनके अमेंडमेंट्स के बारे में, सेकेंड वीडियो में चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट और अमेंडमेंट्स के बारे में, चैप्टर 3 में हम उनके इम्पॉर्टेंट और अमेंडमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। अब इस सीरीज के फोर्थ वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या अमेंड हुआ है और उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने पहले आपको वीडियो की सीरीज बताई थी क्या क्या डिलीट हुआ है, चैप्टर 4 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आपको पता है इससे पहले एक सीरीज हम ला चुके हैं जिसमें हमने पांचों चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुए हैं इनके सेपरेट वीडियोज आपको दिए हैं, और इस वीडियो के लिंक में भी आपको वो मिल जाएंगे। बेसिकली हम जब भी कोई वीडियो बनाया करते हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन को जरूर देखा करिए। उस डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिलने जा रही हैं, जैसे इस अमेंडमेंट के नोट्स मिलेंगे आपको, क्या क्या डिलीट हुआ है उन पांच वीडियोस के लिंक मिलेंगे, इन्हीं पांच अमेंडमेंट वीडियोस के लिंक मिलेंगे, इसके साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड रिविजन जो है, सिनेरियो बेस्ड, उनके आपको लिंक मिलेंगे, एसएम के मिलेंगे, ईएएस के मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस क्या रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके उनके लिंक मिलेंगे, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आपको लिंक मिलेंगे। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम कहेंगे आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इस COVID-19 सिचुएशन में स्टूडेंट की हेल्प के लिए लाने जा रहे हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में जिक्र करता चला आया था, अब मैं आपको बता दूं, हमारा पत्रासर ऐप बनके तैयार है। आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पत्रासर के नाम से ही है, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हमने टाई अप किया है जिसका नाम है copykitab.com। हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत समय से बुक्स को ई बुक के फॉर्म में पब्लिश कर रहा है, और हिंदुस्तान के सारे बड़े पब्लिशर जो है आज कॉपी किताब हैंडल कर रहा है। तो हमने उनके साथ टाई अप किया है अपने सारे इन वीडियोस को और ई बुक्स को उनके साथ लॉन्च करने के लिए। वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट विद देम। तो हम पत्रासर का ऐप आपके लिए लेके आए हैं जिसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें मिलेंगे आपको हमारे वीडियोज, उसमें मिलेंगे हमारे टेस्ट पेपर, उसमें मिलेंगे हमारे बहुत सारी ई बुक्स और बहुत सारी चीजें फ्री डाउनलोड फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में उसके ऊपर हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और इसके साथ साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी हम उसमें लेके आएंगे, और इन सब चीजों को आप पाएंगे हमारे उस नए ऐप पे जिसका नाम है पत्रासर। मैं चाहूंगा आज ही आप लोग उस पत्रासर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आपको उसके माध्यम से भी मिलने जा रही हैं। हमारे एक नए वेंचर के तौर पे आप उसे बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट होते हुए देखेंगे। हम बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको पता है फेसबुक पे अवेलेबल है हम लोग, इंस्टा पे अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है, और बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्मों पे हम लोग अवेलेबल हैं। तो अब ये ऐप पे भी हम बहुत सारी सुविधाएं आपको देने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप लोगों के हेल्प के लिए अवेलेबल है, और आपके जितने फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उन्हें कहिए आप खास तौर से ITSM इंग्लिश की और हिंदी के समरी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंटरमीडिएट सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको ये सब चीजें डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और आप कहोगे तो मैं वो आपको यहाँ पे करके भी दिखा दूंगा अगले किसी वीडियो में, कैसे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या अमेंड हुआ है। तीन चीजें अमेंड हुई है बेसिकली, मैं आपको बताऊं। ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल अमेंड हुए हैं, वेब 3.0 में एक चीज अमेंड हुई है वेब 4.0 की, और इसके अलावा IoT में कुछ और चीजें एग्जाम्पल के तौर पर लाई गई है। जैसा मैंने पहले बताया, वेब हमारे इस चैप्टर 4 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बाकी सारे चैप्टर में कुछ भी डिलीट भी हुआ है, अमेंड भी हुआ है, लेकिन चैप्टर 4 एक इकलौता चैप्टर है जिसमें केवल और केवल चीजें अमेंड हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीन टॉपिक्स में से, पहले टॉपिक की 4.1.5 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले क्या क्या चीजें इसमें ऐड हुई है। 4.1.5 ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 5 में, रूल्स है ना, रूल्स आप लेके बैठे होंगे, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट में आपको ये अमेंड करना है। जैसे कि हमारी आदत है हम हमेशा आपको अपने नोट्स दिखा देते हैं, आइए नोट्स भी आपको दिखा देते हैं आपको कहाँ ये ऐड करना है।
आपको ऐड करना है ये हमारे पेज नंबर 5 के ऊपर। तो देखें सर, पेज नंबर 5 में क्या आपको ऐड करना है, बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का, 5 का, 4 का देखना है अपने को, 4 को देख लेते हैं। तो ये रहा अमेंडमेंट हमारा जो पहला हो रहा है ना, वो यहाँ पे हो रहा है अमेंडमेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। कहाँ हो रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 2 से जस्ट पहले, बेनिफिट टू गवर्नमेंट जो है इसके नीचे, यहाँ पे आपको अमेंड करना है 4.1.5। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कहाँ आपको अमेंड करना है। चलिए तो देखें अपन अमेंडमेंट्स में क्या हमें पढ़ना है, इंस्टीट्यूट हमें क्या पढ़वाना चाहती है। तो ये रहा हमारे सामने ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। सबसे पहले तो बात करते हैं बिजनेस मॉडल किसे कहा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं बिजनेस मॉडल का मतलब होता है बिजनेस के काम करने का वो तरीका, जिसकी तरीके से वो अपने लिए सस्टेनेबल प्रॉफिट को अर्न किया करते हैं। और आज की सिचुएशन में सारे बिजनेस मॉडल फिजिकल कॉमर्स को छोड़ दें तो हमारे कैसे हो गए हैं, ई बिजनेस मॉडल हो गए हैं। और इस COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए और पोस्ट COVID-19 सिचुएशन को देखते हुए हम कहेंगे दुनिया भर में ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही रेलेवेंट हो गए हैं। अलग इंस्टीट्यूट ने जब अमेंड किए थे उन्होंने भी नहीं सोचा था कि COVID-19 की सिचुएशन के बाद ये इतने काम आएंगे, लेकिन अब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो देखें क्या कह रहा है इंस्टीट्यूट हमें पढ़ने के लिए। बिजनेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्लो एंड द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज एंड बेनिफिट फ्रॉम द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। क्या कह रहा है ये? बिजनेस मॉडल को डिफाइन किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके इन्फॉर्मेशन फ्लो, उसके रेवेन्यू और उसके बेनिफिट जो सप्लायर और कस्टमर्स को इंटीग्रेट करके प्राप्त किए जाते हैं। एंड ई बिजनेस मॉडल इज द अडॉप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल टू द इंटरनेट इकोनॉमी। ठीक है, वैसे तो देखा जाए 21वीं सदी जो है वो इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी की सदी है। जो लोग अपने आप को फिजिकल से ई बिजनेस में शिफ्ट कर लेंगे वो तो आने वाले समय में सर्वाइव कर जाएंगे, प्रॉस्पर कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, वरना वही रह जाएंगे। आज इस टॉपिक के तहत मैं भी अपनी कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जैसे हम हमेशा क्लास में बताते हैं आपको, कुछ वेंचर्स को हमने भी स्टार्टअप किया है, कुछ में हम फंडिंग भी कर रहे हैं, तो वो सब इस एग्जाम्पल के तौर पर आज आपको देखने को मिलेगा। A business model is adopted by the organization as a framework to describe how it makes money on a sustainable basis and grow. So basically, ये e-business model हमें बताएगा कैसे हम sustainable तरीके से अपना पैसा earn कर सकेंगे इन नए तौर तरीकों से internet-based economy में। A business model also enable a firm to analyze its environment more effectively and thereby exploit the potential of its market, better understand its customer and raise the entry barrier for the rival. ये ई मॉडल हमें पहले के मुकाबले बेटर तरीके से हर चीज करने का मौका देते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। ई बिजनेस मॉडल यूटिलाइजेस द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू अचीव द वैल्यू एडिंग प्रोसेसेस। सम ऑफ ई मार्केट्स आर एक्सप्लेन बिलो विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। तो आप देखो टेबल में हम देखते हैं वेरियस ई मार्केट्स। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कई चीजें देखी भी तो होगी, लेकिन नए तौर पर डेफिनेशन के तौर पर इसको आप देखोगे। सबसे पहले देखते हैं अपन ई मार्केट और उनके डिस्क्रिप्शन को। फर्स्ट वन है ई शॉप। नॉर्मल फिजिकल शॉप तो आप सबने देखी होती है, स्टैंड अलोन छोटी सी दुकानें, किराने की या ग्रोसरी की या किसी और चीज की, देखिए ना अपन, उन्हीं का अपन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अगर ले आते हैं तो उसको नाम क्या दिया गया है, ई शॉप। एंड ई शॉप इज ए वर्चुअल स्टोर फ्रंट दैट सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन। इसको दुकान की जरूरत नहीं होती, इसको मैन पावर की जरूरत नहीं होती, इसके खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं है, 24/7 खुली हुई होती है। और ये कहाँ पे होती है, इंटरनेट पे होती है, इसलिए इसको वर्चुअल स्टोर का है, ये फिजिकल स्टोर नहीं है। इवन किराया वगैरह देने की जरूरत नहीं, बिजली पानी का खर्चा नहीं, स्टाफ का खर्चा नहीं। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एंड पेमेंट्स मेड। दे आर कन्वीनियंट वे ऑफ इफेक्टिंग द डायरेक्ट सेल टू कस्टमर, अलाउ द मैन्युफैक्चरर टू बाईपास द इंटरमीडिएट ऑपरेटर्स एंड thereby reduce the cost and delivery time. Examples दे रखे हैं इसने W4Women.com, ये एक साइट है जिसपे क्या होता है women से संबंधित जो है वो प्रोडक्ट्स मिला करते हैं। ठीक है, W4Women। ऐसे ही एक और साइट जो है हमने अभी बनाई है जिसका नाम है AllOrganic.com। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है इस पे आपको मिल जाएंगे और आप इसे बाय और सेल भी कर सकते हैं। ये अभी हमारा एक नया वेंचर है जिसपे हमारा काम चल रहा है और बहुत जल्दी COVID-19 सिचुएशन के बाद इसे फिजिकल डिलीवरी भी जो है शुरू कर देंगे और ऑनलाइन तो इसको खरीद और परचेज अपन कर ही सकते हैं, नो डाउट इसमें काम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगी, ये कोई फिजिकल दुकान नहीं होगी, क्या होगा इसमें सारे तरीके के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रखे रहेंगे वहां पे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, उसके बाद हमारे फिजिकल डिलीवरी का जो सिस्टम होगा उसे हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में से कहीं पहुंचा दिया जाएगा। तो
कैसी हो गई, एक तो होती फिजिकल दुकान है और ये कौन सी दुकान हो गई, वर्चुअल दुकान हो गई। तो आप दो एग्जाम्पल याद रख लें, W4Women.com और एक www.allorganic.com। नेक्स्ट है ई मॉल्स, आपने शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे, इसमें क्या होता है बहुत टाइप के प्रोडक्ट हमें एक जगह वन स्टॉप शॉप की तरफ मिल जाया करते हैं देखने के लिए। बड़े बड़े मॉल में आप अक्सर जाते रहे होंगे, आपने इन सब चीज़ों को वहाँ पे देखा भी होगा, इन सब चीज़ों को यूज़ किया भी होगा। तो अगर वो अपन वर्चुअल स्पेस पे हम अगर उसको इंटरनेट बेस्ड तरीके से डेवलप कर देते हैं तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, ई मॉल्स का नाम दिया करते हैं। दीज ई मॉल्स इज डिफाइंड एज रिटेलिंग मॉडल ऑफ ए शॉपिंग मॉल, ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट शॉप सिचुएटेड इन कन्वीनियंट लोकेटेड इन द ई कॉमर्स। अभी मैं बात कर रहा था कि हमने एक बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कोलाबोरेशन किया है, उसका नाम है कॉपी, COPY की जगह क्या नाम है इसका, KOPY, कॉपी किताब डॉट कॉम। ठीक है, ये अपने आप में कौन है, ये है ई मॉल। क्या करता है ये, हिंदुस्तान के सारे बड़े पब्लिशर जो कि प्रिंटेड फॉर्म में अपनी बुक्स दिया करते हैं उन सबके डिजिटल वर्जन को ये अवेलेबल कराता है, किस पे, कॉपी किताब डॉट कॉम पे। और आपको जान के खुशी होगी इस प्लेटफॉर्म के 6 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और उसमें से कम एक समय में 2.5 से 3 मिलियन कस्टमर्स एक्टिव रहा करते हैं। तो सोचो इसकी रीच कितनी बड़ी है, स्टूडेंट्स के लिए काम किया करता है, बेसिकली एजुकेशन प्लेटफॉर्म ही है जिसमें दुनिया भर की बुक्स डिफरेंट सेक्शंस के अवेलेबल कराता है। मैं चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को, आप इसकी वेबसाइट को www.copykitab.com को विजिट करें और उसके साथ साथ आज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप patrasar.com या patrasar जो है उसको भी डाउनलोड करें। हमने कोलैबोरेशन करके इस ई मॉल की काफी सारी फैसिलिटीज को अपने ऐप पे खास तौर से सी एजुकेशन के लिए उपलब्ध कराया, जिसमें फाउंडेशन की, उसमें इंटरमीडिएट की और उसमें फाइनल की भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। इवन मैंने फाइनल के नोट जो इसका के है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए रख रखे अपने स्टूडेंट को। तो इसमें फाउंडेशन के लिए भी बहुत कुछ है, इसमें इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत कुछ है, इसमें फाइनेंस के लिए भी बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारी हमारी तरफ से मेंटरिंग भी होगी, इसमें बहुत सारी पर्सनल काउंसलिंग भी होगी, इसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, इसमें बहुत सारे वीडियोज भी आपको मिलेंगे। तो बहुत तरह की चीजें हम इसमें ले आ रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें अपन ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे अपन वर्चुअल स्पेस में ऑनलाइन क्लासेस को देखा करते हैं। मतलब COVID-19 सिचुएशन में हम फेस टू फेस तो मिल नहीं सकते, तो बच्चों को वो फील देने के लिए भी हम बहुत जल्दी इसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं और ये भी इसी मंथ ऑफ मई में ही हो जाएगा। मुझे लगता है विद इन वीक हम लोग इसको शुरू कर देंगे और अनाउंस भी कर देंगे इसको बड़े लेवल पे। तो आपने ई मॉल का एग्जाम्पल देखा। थर्ड है ई ऑप्शंस। वैसे तो ऑप्शंस क्या होते हैं, फिजिकली हुआ करते हैं लोग बोलियां लगाया करते हैं, ये हमारे एक ई ऑप्शन साइट है, ये भी एक तरीके का ई बिजनेस है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस प्रोवाइड अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच द बिडिंग प्रोसेस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन टेक प्लेस। एग्जांपल जैसे क्या है इसका, onsale.com। अरे एक एग्जांपल याद रखें, ई शॉप एग्जांपल क्या होगा, आप मेरा वाला याद रख लें, allorganic.com। ठीक है, इसी तरीके ई मॉल में भी हमारा एग्जाम्पल याद रख लें, copykitab.com। ई ऑप्शन में याद रख लें कि मेरा नहीं है ना, जो मेरे है वो बता देता हूँ, ये मेरे एग्जांपल है वो याद रख लें आपके लिए आसान होगा। ई ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है onsale.com, जो क्या करता है ऑप्शंस के तरीके उपलब्ध कराया करता है आपको, जिस पर आप माल को बोली लगा के खरीद बेच सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टल्स। ऑप्शन में वैसे आप ओलेक्स का भी नाम ले सकते हैं, ओलेक्स का तो नाम सबको पता है ना, ओलेक्स भी ऐसे ही खरीदने बेचने का ऑप्शन साइट है हमारा। पोर्टल्स की बात करते हैं, पोर्टल्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर वेबसाइट्स। पोर्टल्स आर द चैनल्स थ्रू विच वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज कंटेंट। तो वेबसाइट्स क्या करते हैं, अपने कंटेंट को इस पोर्टल पे ऑफर किया करते हैं ताकि कंटेंट रिच प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध हो जाए और जिससे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या कुछ अपने लिए बिजनेस के तौर तरीके डेवलप कर सके। द कंट्रोल ऑफ द कंटेंट कैन बी द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म थ्रू चार्जिंग द फर्म। तो इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, eBay.com एक ऐसा ही पोर्टल है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध हमारे को हो जाया करती। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, eBay.com, एडवर्टाइजिंग और चार्जिंग कंज्यूमर से सब्सक्रिप्शन फॉर एक्सेस। तो क्या करते हैं वो, चार्जेस दिया करते हैं और चीजों को दिया करते हैं, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ इस समय ऐसे एक प्लेटफॉर्म बहुत अपना एड प्लेस कर रहा है, वेदांतु, ठीक है, तो आप उसको भी इसमें ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन देके। अनअकैडमी भी ऐसे ही कुछ कर रहा है। नेक्स्ट है बायर्स एग्रीगेटर, मतलब जब खरीदार लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसका तो सबसे बढ़िया उदाहरण है इस कोविड से पहले और कोविड में भी काम करने वाला zomato.com। द बायर्स एग्रीगेटर ब्रिंग्स टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बायर्स सो दैट दे कैन गेन
टाइप ऑफ सेविंग दैट आर यूजुअली प्रिविलेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम बायर, आपका अमाउंट भले छोटा होता है, आपका बाइंग क्वांटिटी बड़ा छोटा होता है, लेकिन बायर एग्रीगेटर पे आने पर आपको भी बड़ी लोगों को जैसे छूट मिल जाती है वैसे छूट मिल जाती है बायर एग्रीगेटर के कारण. इन दिस द फर्म कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, मेक द प्रोवाइडर देयर पार्टनर एंड सेल देयर सर्विस अंडर इट्स ओन ब्रांड. जोमेटो यही करता है, लोगों के माल को कस्टमर तक बेचा करता है, तो ये कहलाएगा बायर्स एग्रीगेशन. पांच उदाहरण देखिए, पहला कौन सा था ई शॉप, एग्जाम्पल क्या हो गया ऑल ऑर्गेनिक डॉट कॉम. दूसरा ई मॉल कौन सा हो गया कॉपी किताब डॉट कॉम. तीसरा ई ऑप्शन क्या हो गया ओलेक्स डॉट कॉम. चौथा हो गया पोर्टल ई बे डॉट कॉम. फिर वेदांतु डॉट कॉम. बायर्स एग्रीगेटर कौन हो गया जोमेटो डॉट कॉम. तो आपने पांच अलग अलग एग्जाम्पल देख लिए. आए देखें सिक्स को, वर्चुअल कम्युनिटीज. वैसे तो कम्युनिटी सामाजिक ग्रुप्स हुआ करते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है वर्चुअल ग्रुप्स है. कोविड 19 में तो ऐसे बहुत सारी वर्चुअल कम्युनिटीज बनी है, लेकिन इसको अपन बिजनेस के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं. वर्चुअल कम्युनिटी इज ए कम्युनिटी ऑफ कस्टमर हु शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट एंड यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. amazon.com प्रोवाइड वेबसाइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो इसका एग्जांपल कौन हो गया amazon.com. चलो एक नया एग्जांपल आ गया हमारे वर्चुअल कम्युनिटीज का, क्या नाम हो गया इसका amazon.com. वर्चुअल कम्युनिटीज बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज वेयर बाय मोर पीपल हु जॉइन एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी द ग्रेटर द बेनिफिट दे अकर बट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट टू पार्टिसिपेंट. तो जो जो नए लोग आते हैं वो अमेजोन के इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए अपने बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रखते हैं और उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं चीजों को अपने बेच पाते हैं. तो वर्चुअल कम्युनिटी का एग्जाम्पल हो गया हमारा कौन सा amazon.com. याद करना शुरू करेंगे, पहला क्या था ई शॉप, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा उसके अंदर हमारा हो गया ऑल ऑर्गेनिक डॉट कॉम. फिर सेकंड था ई मॉल कॉपी किताब डॉट कॉम. थर्ड ई ऑप्शन, एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा ई बे और ओलेक्स. फिर हो गया पोर्टल, क्या हो गया हमारा ई बे डॉट कॉम. और ऑप्शन का हो गया हमारा ओलेक्स और ऑन सेल. और पोर्टल हो गया हमारा ई बे. ठीक है, उसके बाद बायर्स एग्रीगेटर कौन हो गया हमारा जोमेटो हो गया. और वर्चुअल कम्युनिटीज कौन हो गया हमारा अमेजन डॉट कॉम. नेक्स्ट आता है ई मार्केटिंग. आजकल तो जो अपन तरीके अपनाते हैं SMS व्हाट्सएप या इंस्टा की जो मार्केटिंग का तरीका अपन अपना रहे सारे क्या कहलाएंगे अपन ई मार्केटिंग कहलाएंगे. आजकल फिजिकल हम एड तो छाप के लोगों तक तो पहुंचते नहीं है, थोड़ा महंगा भी पड़ता है वो और जरूरी आदमी पढ़े भी है ना, लेकिन ये तरीका है इंडिविजुअल उसको देखता है. ई मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट ऑल्सो एम्पावर कस्टमर एंड हेल्प देम टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल दे कैन कंपेयर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय द राइवल फर्म. द इंटरनेट चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर बिकॉज मार्केट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल पार्ट ऑफ पार्टीज इन द ट्रांजेक्शन. ई मार्केटिंग हम तरीका अपना रहे हैं, जैसे आजकल अपन अपना सकते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग. व्हाट्सएप मार्केटिंग का तरीका अपन अपनाते हैं ई मार्केटिंग के तौर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ई प्रोक्योरमेंट. पहले प्रोक्योरमेंट करने के लिए अखबार में क्या करना पड़ता था, टेंडर छपाना पड़ता था, बिडिंग छपानी पड़ती थी. आजकल अपन क्या करते हैं वेबसाइट्स पे उसको रख दिया करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं प्रोक्योरमेंट कर लिया करते हैं. लोग वहीं पे ऑनलाइन बिड कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाती है. ई प्रोक्योरमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन. बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन ई प्रोक्योरमेंट सीक एफिशिएंसी इन एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सप्लायर अवेलेबिलिटी प्राइस क्वालिटी एंड डिलीवरी आइटम एज वेल एज कॉस्ट सेविंग बाय कोलैबोरेटिंग विद पार्टनर टू पूल देयर बाइंग पावर एंड टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू डील्स. तो किसी को भी फिजिकली एक दिन इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, टाइम और पैसा दोनों बचता है और हमारा प्रोक्योरमेंट भी आसान हो जाया करता है. ई प्रोक्योरमेंट इंफोमीडियरीज स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग अप टू डेट एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मटीरियल टू द बिजनेसेस. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ई प्रोक्योर, भारत सरकार का है ई प्रोक्योर .gov.in. भारत सरकार क्या कर रही है इससे प्रोक्योरमेंट कर रही है. इस समय कोविड 19 में पीपीई किट की बात कर लो, वेंटिलेटर्स कह लो, इसे प्रोक्योर किए जा रहे हैं. तो ये रेलेवेंट एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट है ई डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकों में भी हम इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट की चीजों को ले आए हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने ई डिस्ट्रीब्यूशन. ई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हेल्प डिस्ट्रीब्यूटर टू अचीव एफिशिएंसी सेविंग बाय मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर automating orders, communicating with partners and facilitating value-adding services such as order tracking through each point in the supply chain. तो पूरी सप्लाई चेन होती है, अपन चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था, अपन ने रॉ मटेरियल से लेके और कस्टमर के हाथ तक पहुंचना, उन सबको आजकल अपन टेक्नोलॉजी से जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं, और इसी का नाम हमने रखा है ई डिस्ट्रीब्यूशन.
एन एग्जाम्पल ऑफ फर्म स्पेशलाइजिंग इन ई डिस्ट्रीब्यूशन इज विप्रो डॉट कॉम। विप्रो हमारी एक टेक्नोलॉजी की कंपनी, भारत की कंपनी है। भारत के एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है अजीत प्रेम जी, और मेरे भी बड़े फेवरेट है। उनकी कंपनी जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि खासतौर से हार्डवेयर के प्रोडक्ट है उनको लेकर। Who uses the internet to provide fully integrated e-business enabled solution that help to unify the information flow across all major distribution processes including sales and marketing, automation, customer services, warehouse, logistics, purchasing and inventory management। तो आपने देखा हर तरीके की चीज को हम आजकल इस टेक्नोलॉजी से मेजर कर रहे हैं। तो ये था हमारा ई डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिला के कितने तरीके देख लिए हमने अपन ने? 9 तरीके देख लिए। क्या नाम से देखे अपन ने? इनका नाम था ई मार्केट मॉडल्स। ठीक है, पहला क्या था? ई शॉप। ई शॉप का उदाहरण क्या है हमारा? allorganic.com। दूसरा ई मॉल, उदाहरण क्या है? copykitab.com। ई ऑप्शन, उदाहरण क्या है? olex.com। पोर्टल का उदाहरण क्या है? vedantu.com। बायर्स एग्रीगेटर कौन है? zomato.com। वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन है? amazon.com। ई मार्केटिंग कौन है? व्हाट्सएप मार्केटिंग। ई प्रोक्योरमेंट क्या है? eprocure.gov.com। ई डिस्ट्रीब्यूशन कौन है हमारा? vipro.com। बात आई क्या सबको समझ में? फिर से एक बार देख लिया, 9 चीजें देखी अपन ने। पहला ई शॉप है ना, वर्चुअल फिजिकल शॉप की जगह वर्चुअल शॉप। एग्जाम्पल क्या है हमारा? allorganic.com। ई मॉल कौन से? copykitab.com। ई ऑप्शन कौन? olex.com। पोर्टल कौन? ebay.com। बायर्स एग्रीगेटर कौन? zomato.com। वर्टिकल कम्युनिटीज कौन? amazon.com। ई मार्केटिंग कौन? व्हाट्सएप मार्केटिंग। ई प्रोक्योरमेंट कौन? eprocure.gov.in। ई डिस्ट्रीब्यूशन कौन? vipro.com। मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर हो गया होगा, हमने मेन मेन बातों को समझ लिया है कैसे लिख सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ने जो इसको बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। मार्क भी करा दूंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट रखें। ई बिजनेस मॉडल रिलेटिंग टू ई बिजनेस मार्केट्स कैन बी समराइज एज गिवन बिलो इन टेबल 4.1.3। अब हम कुछ बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। हमने टेबल में 9 पॉइंट डिस्कस कर ही लिया है ई मार्केट्स के। अब तीन मॉडल को डिस्कस करते हैं, वैसे तो हम इनके बारे में जानते हैं ऑलरेडी। तीन बिजनेस मॉडल जो हमारे सामने वो कौन कौन से हैं? B2C, B2B एंड C2C। ठीक है, पहला है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस मैन कंज्यूमर तक सीधा पहुंचे। आजकल ये बड़ा चलन में और जब से आया तब से सबसे हॉट यही है। दूसरा होता है B2B, मतलब होलसेलर रिटेलर को दे देते हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर को दे देते हैं। तो ये बिटवीन बिजनेस मैन होते हैं, बड़े और छोटे बिजनेस मैन। और तीसरा होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकता है। तो इन तीन बिजनेस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे आज। पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको B2C कहते हैं। डेफिनेशन देखें पहले। जनरली दिस सपोर्ट्स द एक्टिविटी विद इन द कस्टमर चेन इन फोकसेस ऑन द सेल साइड एक्टिविटी। इसमें कस्टमर जो ना वो मेन फोकस है, मतलब ये कस्टमर सेंट्रिक है। सारी चीज किसको ध्यान में रख के बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? कस्टमर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो हम कहते हैं दिस इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, ई बिजनेस के मार्केट्स कौन कौन से जो पीछे पड़ गए हैं? ई शॉप ले लो, ई मॉल ले लो, ई ऑप्शन ले लो, बायर्स एग्रीगेटर ले लो, पोर्टल ले लो, ये सब ई बिजनेस के मार्केट्स हैं। एग्जाम्पल्स कौन से लेंगे हम? cisco.com, बहुत बड़ी कंपनी अमेरिकन, सिस्को, जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है। और दूसरी amazon.com। तो दो उदाहरण इसके ई कॉमर्स के ले लेंगे B2C में, सिस्को एंड अमेजन। और ई बिजनेस मार्केट में कई उदाहरण आ गए, ई शॉप, ई मॉल, ई ऑप्शन, बायर्स एग्रीगेटर, पोर्टल। और सेकंड बात करते हैं B2B की, बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर से रिटेलर, मैन्युफैक्चरर से डीलर एंड सो ऑन। This supports the supply chain of the organization that involves a repeat commerce between a company and its supplier and other partner. मतलब बड़े बिजनेस से उसी सेम ट्रेड के छोटे बिजनेस, मैन्युफैक्चरर से डीलर, रिटेलर, इस तक माल आ रहा। एग्जाम्पल क्या है इसके हमारे? ई बिजनेस मार्केट के ई ऑप्शंस हो गए हमारे, ई प्रोक्योरमेंट हो गया हमारे, ई डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, पोर्टल हो गए, मार्केटिंग हो गया। अब आप हो गए सब उसको भी था, इसको भी था, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिजनेस कई तरीके से काम कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? email.com, email, email.com, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है जो B2B तरीके से काम कर रहा है, हमारे बड़े होलसेलर्स रिटेलर को माल दे रहे हैं। तीसरा तरीका है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दिस सपोर्ट्स अ कम्युनिटी प्लान सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी सीन एज अ कमर्शियल एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटीज। तो ये बेसिकली कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए है कि आपस में मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ई ऑप्शन, मतलब ई ऑप्शन तीनों में आ गया, वर्चुअल कम्युनिटीज एक्सेट्रा। तो वर्चुअल कम्युनिटीज में एग्जाम्पल आ गया, बाकी ई ऑप्शन देखो आप तीनों में मिल रहा है। देखो ये ई ऑप्शन यहाँ रहा, ई ऑप्शन यहाँ रहा, ई ऑप्शन यहाँ रहा। तो आप एक नाम याद रखें, ई ऑप्शन तो तीनों में आ रहा है। फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन इसमें है, ई मार्केटिंग इसमें है, और आप कह सकते हैं बायर्स एग्रीगेटर इसमें, ये एक अलग हो गया हमारे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ebay.com। तो सबके अपने अपने एग्जाम्पल हो गए, उसका एग्जाम्पल एक याद रखो अमेजन, इसका ई मॉल, इसका लिखो ebay। तो इस तरीके से हमने तीन अलग अलग कैटेगरी बिजनेस मॉडल के और देखे। बेसिकली हमने क्या देखा? हमने देखे 9 तरीके के ई मार्केट्स,
और हमने देखे तीन तरीके के बिजनेस मॉडल को। बात आगे सबको समझ में, वो ई तरीके के हमारे जो मार्केट्स थे एक बार वापस से याद कर लेते हैं अपन, क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। तो आप एक काम करें, इसको याद कर लें। किसके लिए भाई? इसको याद कर लें जुलाई ऑब्लिक अगस्त 20 या फिर नवंबर 20, जब भी आपके एग्जाम होते हैं उसके लिए मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट है, आपको कर लेना चाहिए। कौन कौन से भी इसके अंदर ई शॉप एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? ऑल ऑर्गेनिक। ई मॉल एग्जाम्पल कौन है इसमें? कॉपी किताब .com। ई ऑप्शन कौन है? olex.com। पोर्टल कौन है? बिराजू। बायर एग्रीगेटर कौन है? जोमेटो। वर्टिकल वर्चुअल कम्युनिटीज में कौन है? amazon.com। ई मार्केटिंग कौन है? व्हाट्सएप मार्केटिंग। ई प्रोक्योरमेंट कौन है? eprocure.gov.in। ई डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? wipro.com। अब आ जाओ तीन बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। B2C इसमें कस्टमर सेंट्रिक काम होता है, कस्टमर को ध्यान रखकर बात करते हैं। बिजनेस मार्केट कौन कौन है हमारे पास में? यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे ई शॉप्स मिलेंगे, ई मॉल्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जांपल एक ऑप्शन याद रखो और दूसरा बायर एग्रीगेटर याद रखो। एग्जांपल में अमेजन याद रखो इसका। B2B में क्या याद रखो कि इसमें सारा काम हमारे सप्लाई चेन के बीच में होता है, होलसेलर और सप्लायर के बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में। एग्जांपल क्या याद रखो कि इसके अंदर ई ऑप्शन आएगा इसके अंदर, और साथ में आएगा हमारा ई मार्केटिंग, और यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा हमारा ई मॉल मेल नहीं। तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C। ये बेसिकली दो कंज्यूमर ग्रुप्स के बीच में या इंडिविजुअल कंज्यूमर टू सेकंड कंज्यूमर के बीच में। एग्जांपल इसमें भी ई ऑप्शन याद रखो और वर्चुअल कम्युनिटी याद रखो ई बिजनेस मार्केट का, और मेन एग्जांपल जो आ जाएगा इस बिजनेस मॉडल का वो आ जाएगा eGate.com। तो हमारा एक बड़ा टॉपिक हमने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट भी है, 9 तरीके के ई मार्केट्स और 3 तरीके के बिजनेस मॉडल हमने इसमें समझने की कोशिश की। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में भी आया होगा हमने क्या बात की है। क्लियर अभी सबको? चले आगे। चलो दो और छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ताकि आज ये चैप्टर नंबर 4 और इसके इम्पोर्टेंट और इसके अमेंडमेंट भी पूरे हो जाए हमारे। मूव करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.8.7 और वो आपको हमारे नोट्स में पेज नंबर 41 में मिलेगा, और हमारा टॉपिक था वेब 3.0। उसके लास्ट में इसको हमें जोड़ेंगे। वेब 3.0 नाम का एक टॉपिक है हमारा, वहां पे अपन इसको जोड़ेंगे। वेब 3.0 उसमें जोड़ेंगे। आओ मैं बता देता हूँ आपको कहाँ जोड़ना है पेज 41 में इसको। जरा देखिए अपन चैप्टर नंबर 4 में इसको कहाँ आपको इसको जोड़ना है। आओ पेज नंबर 41 पे चलते हैं सीधा। ये रहा आपके सामने पेज नंबर 41 वेब 3.0, जहाँ आपको इसको ऐड कर लेना है। तो ये है पेज नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पहले ये अमेंडमेंट आया है 4.8.7। वेब 3.0 के कंपोनेंट जो अपन पढ़ते थे सिमेंटिक वेब, वेब सर्विसेज, उसके नीचे पैराग्राफ में यहाँ पे इसको ऐड करना है। ठीक है, तो आओ अपन पढ़ते हैं क्या इंस्टीट्यूट ने हमें हमारे लिए ऐड किया है। बेसिकली वेब 4.0 की बात की है, 3.0 तो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी सिमेंटिक वेब और दो पोर्शन के तौर पर। आओ बात करते हैं क्या नया जुड़ा है इसमें 4.8.7 वेब 3.0। जमाना आगे बढ़ गया। आपको पता है हमने डिस्कस करते हुए क्लास में पढ़ाया था वेब 1.0 आया था तब केवल वेबसाइट से चीजें डाउनलोड की जा सकती, फिर वेब 2.0 आया जिसमें अपलोड और डाउनलोड दोनों हो सकते थे, उसके बाद वेब 3.0 आया जिसमें हम लोग एक वेब सर्वर को बीच में डालते हैं और दो लोगों के बीच में, मतलब प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है वेब सर्वर को देता है, वेब सर्वर कस्टमर तक वो चीज ले जाया करती। अब इसमें AI भी जुड़ गई है और वो उसके कारण से अब हमें मिला है वेब 4.0। आओ उसकी बात करते हैं कैसे उसने हमारे काम करने के तरीकों को बदल दिया है। As technology evolves, new applications are coming into use। आपने महसूस किया होगा जब भी आप इंटरनेट पर बैठते हैं और लगातार एक पर्टिकुलर टाइप की सर्च करते चले जाते हैं, तो अगली बार गूगल पे जैसे आप वर्ड टाइप करना शुरू करते हैं वो आपके रिलेटेड सर्चेस को आपकी स्क्रीन पे लाके देना शुरू कर देता है ना। यही एक्सटेंशन है वेब 3.0 का जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं वेब 4.0 में। तो ये AI यूज करेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करेगा और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को यूज करते हुए आपके लिए काम करेगा। These applications are further changing the way individual or businesses or government interact with each other and do the business। मतलब अब हमारे काम करने के तरीकों में बदलाव आने जा रहा है, और मैं यूं कहूं पोस्ट कोविड सिचुएशन में या इस कोविड की सिचुएशन में, भले ही कोविड खत्म हो या अभी चल रहा है, दोनों सिचुएशन में हम इसका उपयोग कर रहे हैं 4.0। मैं अभी जानकारी भी बता दूं,
चाइना ने क्या किया, वुहान में एक एक इंडिविजुअल का तो टेम्परेचर नाम नहीं सकते, लाखों करोड़ों की संख्या में जनसंख्या है ना, आपको जान के आश्चर्य होगा, वुहान जो है ना उसकी उसकी पॉपुलेशन 6 करोड़ है। हमारे यहाँ इंडिया में जो मेट्रो सिटीज है उनकी पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है, तो ये उससे भी 3 गुना ज्यादा। तो बताओ ऐसे में क्या अपन आसानी से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, सेंसर्स कैमरा में सेंसर्स लगाए जो टेम्परेचर को भी नाप सकते थे। तो क्या करते थे, जैसे एक रोड साइड लोग मूव कर रहे हैं तो जो ट्रैफिक सिग्नल पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं उन्हीं में हमने क्या किया, थर्मल सेंसर्स लगा दिए ताकि वो दूर से आते हुए लोगों के टेम्परेचर को नाप लें, और जैसे हमें पता चला कि किसी व्यक्ति को टेम्परेचर हो रहा है, इमीडिएटली सड़क पे जो हमारी पुलिस पेट्रोल कर रही है इमीडिएटली उस व्यक्ति को साइड पे ले लेगी, उसकी बाकी की जांच कर लेगी ताकि उसको दूसरों से अलग किया जा सके, और इस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस कोरोना के स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके हो सकते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, शायद आपके पास आया गया होगा व्हाट्सएप के ऊपर या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सऊदी अरेबिया ने क्या कर रखा है, अपने सारे पुलिस मैनों को ऐसे हेलमेट्स दे रखे हैं जिनमें ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो दूर से ही आदमी का टेम्परेचर नाप लिया करते हैं। तो ये सब वेब 4.0 है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं इस कोरोना सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन। मूविंग अहेड ए न्यू कंसेप्ट वेब 4.0 इज सेट टू इवॉल्व, आ चुका, अब ये डेवलप हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। प्रपोज टू बी ऑटोनोमस, अपने आप काम करेगा, प्रोएक्टिव मतलब पहले से रोकथाम के उपाय कर लेगा, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सिचुएशन को भांपते हुए ही अपने आप काम करना शुरू कर देगा, सेल्फ लर्निंग अपने आप सीखेगा, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, कोलाबरेटिव कई लोगों को मैनेज कर लेगा, कई लोगों के साथ अपने आप एक तरीके से कहना चाहिए डेटा एक्सचेंज करते हुए इंफॉर्मेशन को रिच कर लेगा, एंड कंटेंट जनरेटिंग एजेंट बेस्ड ऑन फुल्ली मैच्योर्ड सिमेंटिक एंड रीजनिंग टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बनेगा। तो सब एआई का यूज करते हुए बन रहा है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, चाइना अपने ट्रैफिक सिग्नल पर थर्मल सेंसर्स का यूज कर रहा है, सऊदी अरेबिया ने ऐसे हेलमेट बना लिए हैं और अपने लोगों को दिए हैं जिनसे वो क्या कर रहे हैं, दूर से किसी आते हुए व्यक्ति का टेम्परेचर नापते हुए उसे भीड़ में से अलग कर रहे हैं। दीज सर्विसेज विल सपोर्ट एडाप्टिव कंटेस्ट प्रेजेंटेशन दैट विल यूज द वेब डेटाबेसेस वाया एन इंटेलिजेंट एजेंट, एग्जाम्पल माइट बी सर्विसेज इंटरेक्टिंग विद सेंसर्स एंड इम्प्लांट्स नेचुरल लैंग्वेज सर्विसेज एंड वर्चुअल रियलिटी सर्विसेज। तो मैंने बताई दिया आपको चाइना यूज कर ही रहा है इस सब चीज को, ठीक है ना, आप तो लिख सकते हैं चाइना का एग्जाम्पल, चाइना यूजिंग थर्मल सेंसर्स इन ट्रैफिक लाइट्स। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हैं अपन, सऊदी अरेबिया यूजिंग थर्मल सेंसर्स इन हेलमेट्स, ठीक है, ये दो उदाहरण अपन रख सकते हैं जो कि इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाना चाहते थे। बात समझ में आ गई, तो बेसिकली वेब 3.0 के नीचे एक चीज जुड़ रही है वेब 4.0 जो क्या कर रही है, वो वेब 3.0 का एक अगला एक्सटेंशन है जो ऑटोनोमस होगी, जो प्रोएक्टिव होगी। ये कुछ कीवर्ड है जो आपको इसके बारे में लिखने पड़ेंगे अगर एग्जाम में आता है तो, ऑटोनोमस है मतलब अपने आप काम करेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, प्रोएक्टिव है मतलब अपने आप डिसीजन ले लेगा सिचुएशन बिगड़ने से पहले, कंटेंट एक्सप्लोरिंग है अपने आप डेटाबेस में से चीजों को अपने मतलब की निकाल लेगा, सेल्फ लर्निंग है, कोलाबरेटिव है, कंटेंट जनरेटिंग एजेंट है, फुल्ली मैच्योर्ड है, और साथ साथ में एआई का भी यूज करेगा। बात आ रही है सब लोगों को समझ में, भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली ये वेब 3.0 का एक्सटेंशन है जिसको इंस्टीट्यूट ने वेब 4.0 के तौर पे हमें सिखाने के लिए इंट्रोड्यूस किया है, और ये बहुत अच्छा है कि इस समय हमारा वीडियो आ रहा है जब इस पोस्ट कोविड सिचुएशन में आपने चाइना का और सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल भी देखा है। चलिए मैं जिसका जिक्र कर रहा था आपसे सऊदी अरेबिया वाला, वो वीडियो मेरे पास आ गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो क्या कर रहा है वेब 4.0 हमारे लिए। टेक्नोलॉजी का है और
मेरे वीडियो आएंगे। तो ये था हमारा वेब 4.0 जो कि आपने इसमें यहाँ पे देखा। चलिए बिना समय गवाए हुए अब चलते हैं अपन लास्ट टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर नंबर 4 में जो ऐड हुआ है वो है 4.8.8 इंटरनेट ऑफ थिंग IoT। कहाँ ऐड हुआ है ये? पेज नंबर 42 में ऐड हुआ है ये। और कौन से टॉपिक में ऐड हुआ है? IoT में ऐड हुआ है। वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाते हुए सारे एग्जांपल आपको पहले ही दे दिए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अब इनको ऑफिशियली ऐड कर दिया है। बाकी पढ़ाते हुए मैंने ख्याल से मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको एग्जांपल भी मैंने शायद उन क्लासेस में दिए थे। अब एक बार फिर से एग्जांपल के तौर पर इनको देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट हमसे क्या कहना चाहता है। और आपको नोट्स में भी मैं बता देता हूँ कहाँ आप इसे पाएंगे, हमारे क्लासेस के नोट्स में पेज 42 पे यहाँ पाएंगे आप अमेंडमेंट आया हुआ है 4.8.8। जहाँ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे ना, आपको ध्यान हो गार्टनर का हमने एग्जाम्पल दे के बताया था इसका सारा का सारा व्यापार कितना होगा, $1.9 trillion का होने जा रहा है, जो इंडियन GDP के इक्वल होने जा रहा है कितना 2020 में। अब तो शायद इससे भी ज्यादा हो जाएगा कोविड सिचुएशन में, क्योंकि अब तो इन चीजों की जरूरत होने लगी है हमारे को टेक्नोलॉजी की। तो आओ देखें इंस्टीट्यूट ने क्या हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया है और पढ़ते हैं अपन इंस्टीट्यूट की इस चीज को। तो इंस्टीट्यूट हमारे लिए लेके आया है IoT में कुछ चीजें, लेट अस सी। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है इसमें पेज नंबर 42 पे IoT में, सबसे पहले वेयरेबल्स। जानो आपको तो क्लास में पढ़ाते मैंने कहा था आजकल स्मार्ट वॉचेज आ गई है जो अपन अपने हाथ में पहन सकते हैं, जिससे हमारे टेम्परेचर, हमारे हार्ट बीट, हमारे इन सब चीजों को नापा जा सकता है। और अब तो इस COVID-19 की सिचुएशन में हम अगर चाहें तो क्वारंटाइन के बाद व्यक्ति को जब घर भेजते हैं तो उसके ऊपर GPS की नजर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी वेरिएबल वॉच पहना सकते हैं IoT वाली, जिससे क्या हो जाएगा वो डॉक्टर और हमारे कोविड हॉस्पिटल्स के संपर्क में रहेगा। तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए फिक्स जगह पे कहा था जो भी उसका घर है तो उसकी GPS की लोकेशन तो जनरली 1-2 किलोमीटर में फिक्स ही होगी ना, जो भी होगी वो, तो हम उससे अदर उसको मूवमेंट करते देखते हैं तो हम कहेंगे होम क्वारंटाइन में था, बाहर घूमता रहा है। वेरिएबल से इस तरीके से उसके ऊपर नियंत्रण ला सकते हैं। जस्ट लाइक द स्मार्ट होम्स, वेरिएबल रिमेन्स अनदर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल IoT एप्लीकेशन लाइक एप्पल स्मार्ट वॉच। तो ये तो मैं एग्जांपल पहले ही दे चुके हैं, एप्पल की स्मार्ट वॉच वेरिएबल में आती है, तुम्हारी क्लासेस के उदाहरण में था, हालांकि उस समय इंस्टीट्यूट से शामिल नहीं किया था पर अब ये शामिल हो चुका है, तो नाम याद रखें वेरिएबल पहला। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है? स्मार्ट सिटी। जैसे मालूम होगा आपको भारत कई सारी स्मार्ट सिटी डेवलप करना चाहता था, है ना, और आगे भी हम डेवलप करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोविड के बाद हम चीजों को रोक देंगे। तो स्मार्ट सिटी डेवलप होगी जहां पे हर चीज बहुत बेटर तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मैनेज की जाएगी। जैसे स्मार्ट सिटीज लाइक द नेम सजेस्ट इज अ बिग इनोवेशन एंड स्पान ए वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स केसेस फ्रॉम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ये सब चीजें इसकी मदद से होंगी। मैंने शायद एक उदाहरण भी दिया था आपको कि हमारे जितने भी बास्केट्स और बिन्स होंगे जैसे ही वो भर जाएंगे तो हमारे नगर पालिका नगर निगम के पास एक सेंसर होगा जो बता देगा कि वहाँ पे बास्केट या बिन भर गई है, तो इमीडिएटली खाली करने के लिए हम काम करना शुरू कर देंगे। ये सब स्मार्ट सिटीज में होने जा रहा है। थर्ड होगा स्मार्ट ग्रिड्स। अभी हमारे ग्रिड्स जो बिजली सप्लाई करने वाले हैं वो नॉन स्मार्ट है। होता क्या है, हर जगह से बिजली पैदा होती है, नेशनल ग्रिड में इकट्ठी होती है और फिर राज्यों को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। आने वाले समय में स्मार्ट ग्रिड क्या करेंगे, जहां जितना इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है पहले उस स्टेट की डिमांड को देखते हुए उतना हम लोग यूज कर लेंगे और बाकी हम नेशनल ग्रिड में दे देंगे। इस तरीके से आने जाने में जो ट्रांसमिशन में हमारा लॉसेज होता है करीब 33% का, उसको हम रिड्यूस कर लेंगे। ये हमने पढ़ाते हुए एग्जाम्पल दिया था आपको। स्मार्ट ग्रिड्स आर अनदर एरिया ऑफ IoT टेक्नोलॉजी दैट स्टैंड्स आउट। स्मार्ट ग्रिड बेसिकली प्रॉमिसेस टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बिहेवियर्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर इन द ऑटोमेटेड फैशन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, द इकोनॉमी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं जैसे बात करूं कोविड सिचुएशन से पहले, जब गर्मी आती थी तो AC कूलर पंखों की आवश्यकता ज्यादा हो जाती थी हमारे यहाँ, तो क्या होता था हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाती थी। लेकिन जैसी सर्दी आती थी तो हमारे यहाँ उतना डिमांड नहीं रहता था बिजली का। लेकिन इस कोविड की सिचुएशन में हम बात करें तो लॉकडाउन में क्या है, ऑफिसेज और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट बंद है, केवल हम घरों पे बैठे हैं, तो घरों में उतना बिजली का कंजम्पशन नहीं कर पा रहे। तो हम जितनी बिजली बना रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजली का अगर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो इतने से हमारा काम चल रहा है, और अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्शन को अब कम कर सकते हैं। ये सारे स्मार्ट ग्रिड में पॉसिबल किया जा सकता है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बात। मशीनों को हम कंट्रोल कर लेंगे दूर से बैठे हुए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब अपन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मैनेज करेंगे और चाइना इसमें बहुत आगे है।
One way to think of industrial internet is by looking at connected machines and devices in industry such as power generation, oil and gas etc. for monitoring and improving the control efficiency. है ना, यहाँ पे रोज जाया भी नहीं जा सकता, तो एक आदमी दूर से बैठा हुआ भी इन सब चीजों को कंट्रोल पैनल के तौर पे मैनेज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है. With an IoT enabled system, factory equipment that contains embedded sensor communicate the data about different parameters such as pressure, temperature and utilization of that particular machine. तो हम दूर से क्या कर सकते हैं, इनको कम और ज्यादा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें उस प्लांट लोकेशन तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. मतलब 24/7 हम दूर बैठे हुए किसी नियंत्रित कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं. द आईओटी सिस्टम कैन ऑल्सो पजेस वर्कफ्लो एंड चेन इक्विपमेंट सेटिंग टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस. हम इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को भी बेटर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो ये थी 4G इंटरनेट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग. कितनी देख लिया अपने, पहला वेरिएबल्स, सेकंड स्मार्ट सिटी, तीसरा स्मार्ट ग्रिड, फोर्थ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, पांचवा है कनेक्टेड कार्स. कार्स के ऊपर एंटीना और सेंसर्स लगे होंगे जिससे कार्स को आपस में पूल किया जा सकता है. कहीं अगर कोई कार खराब हो जाए तो इमीडिएटली दूसरी कार जो नियर बाय में है इस कनेक्टेड कार में वो हेल्प के लिए पहुंच जाएगी आपके पास में. ऐसी कंपनियां भी कर सकती है या हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम्स भी कर सकती है. कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इज वास्ट एंड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मल्टीपल सेंसर एंटीनाज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट इन कम्युनिकेशन टू नेविगेट इन आर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. तो ये तो अब आने वाले समय बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि ये बहुत काम की चीज है हमारे. मेरे को हमारे जोधपुर के जो सिख समाज के चेयरमैन है जगदेव सिंह खालसा, जो हमारे सिख समाज के चेयरमैन है, और मैं सिख समाज के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, उनके सेक्रेटरी के तौर पे सिख समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ. आई एम द सेक्रेटरी ऑफ जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. तो एक बार हम डिस्कशन पे बैठे थे तो उन्होंने बताया उनकी जो फॉक्स वैगन गाड़ी है जोधपुर से जयपुर जाते हुए हाईवे पे कहीं खराब हो गई. तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, फॉक्स वैगन कंपनी को फोन किया और फॉक्स वैगन कंपनी ने अपनी एक पेट्रोलिंग टीम भेजी जिससे क्या किया, उनकी गाड़ी को टो करके नियरेस्ट स्टेशन पर ठीक करने के लिए ले जाया गया और उनको एक दूसरी गाड़ी के द्वारा क्या किया, जयपुर भेज दिया, उनके डेस्टिनेशन पर भेज दिया. अगर ये कनेक्टेड कार रही होती तो इमीडिएटली ये सिग्नल पेट्रोलिंग टीम पे पहुंच जाता, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं रहती. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आने वाला समय हमारे जिंदगी को बहुत आसान बनाने वाला होगा ड्यू टू आईओटी. नेक्स्ट सिक्स, कनेक्टेड हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, टेली हेल्थ और टेलीमेडिसिन का जमाना आ गया. और मैं तो कहूँ इस पोस्ट कोविड सिचुएशन में जहाँ तो वायरस ही ऐसा है कि पास जाने से खतरा लगता है, तो आपने देखा होगा चाइना ने रोबोट्स बना दिए थे जो क्या करते हैं, पेशेंट्स को दवाइयां भी दे दिया करते हैं. तो आने वाले समय में जब अपन क्वारंटाइन रह रहे होंगे तो शायद ऐसे रोबोट्स की मदद ले सकते हैं ताकि आदमी में संक्रमण होने का खतरा कम किया जा सके. IoT has various applications in healthcare which are from remote monitoring equipment to advanced and smart sensor to equipment integration. It has the potential to improve how physicians deliver care and keep patients safe and healthy. मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे ऐसे इस कोविड सिचुएशन में यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुपों में देखे होंगे IoT based sensors वाली मशीनें जो कि पेशेंट्स तक बिना ह्यूमन बींग्स के दवाइयां पहुंचा रही है और उनका इलाज कर रही है. सेवंथ है स्मार्ट रिटेल. वैसे तो रिटेल फिजिकल वाली दुकान की रिटेल को हाँ करते हैं, लेकिन हमारी स्मार्ट रिटेल क्या करेगी, आपके सारे डेटा बैंक को मेंटेन करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि आपकी दुकान पे जो सेल हो रही है वो किस तरीके की हो रही है और किस डायरेक्शन में आपको हेल्प दी जा सके. Retailers have started adopting IoT solution and using the IoT embedded system across the several applications that improve the store operation, increasing purchase, reducing the theft, enabling the inventory management and enhancing the customer's shopping experiences. तो क्या करेगा ये, जैसे कस्टमर एंटर करेगा अगर उसने पुराने समय में कुछ चीजें खरीदारी के तौर पर कर रखी है तो वो दुकानदार को इन्फॉर्म कर देगा कि ये किस किस तरीके की चीजें लेने का आदी रहा है. तो इमीडिएटली हम एक बंदे को साथ लगा देंगे, इमीडिएटली उसको स्टोर में उन चीजों को दिखाने ले जाएंगे जो पिछले समय में वो खरीदता चला है या खरीदने की आकांक्षा रखा करता है. एट्थ है स्मार्ट सप्लाई चेन. यूनिट 3 में अपने सप्लाई चेन को देखा था, तो अगर हम चाहें तो उसको IoT की मदद से स्मार्ट सप्लाई चेन में बदल सकते हैं और आपस में सबको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. तो रॉ मटेरियल कहाँ से निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे जाता है, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैसे होती है, इन सबके ऊपर IoT एक चेन बना के कंट्रोल कर सकती है. सप्लाई चेन हैव ऑलरेडी बीन getting smarter for a couple of years, offering solution to problem like tracking of goods while they are on the road or in the transit or helping the suppliers exchange inventory information are some of the popular offering which are given by the smart supply chain. बड़ी बड़ी इस समय manufacturing company, बड़ी बड़ी हमारी supply chain company, बड़ी बड़ी हमारी courier company, transport company supply chain का बहुत अच्छा उपयोग कर रही है from end to end supply chain को better तरीके से manage करने के लिए. तो ये था हमारा chapter number 4,
जिसमें अपन ने 8 अलग अलग तरीके के आईओटी जो है वो एप्लीकेशंस को देखा। कौन सी 8 दी गई? पहला देखा वेरेबल्स को, दूसरा स्मार्ट सिटी, तीसरा स्मार्ट ग्रिड, फोर्थ इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग, पांचवा कनेक्टेड कार, छठा कनेक्टेड हेल्थ, डिजी हेल्थ, टेली हेल्थ, टेलीमेडिसिन, सेवन्थ स्मार्ट रिटेल और आठवा स्मार्ट सप्लाई चेन। ठीक है, तो बेसिकली 3 बड़े टॉपिक थे जो अपन ने देखे इस चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद अगले वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। चलिए तो चैप्टर नंबर 4 में अब अपन आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं जो मेरे हिसाब से है आपको ये एग्जाम्पल इंटरनेट ऑफ आईओटी के कर लेने चाहिए। मुझे लग रहा है या आपसे जुलाई में या अगस्त 20 में या फिर नवंबर 20 जब भी होंगे आपसे पूछ लिया जाएगा। ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 8 एग्जाम्पल याद कर लो, वेरेबल्स, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टेड कार, कनेक्टेड हेल्थ और उसके बाद स्मार्ट रिटेल और स्मार्ट सप्लाई चेन। ये 8 तरीके की चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। वेब 3.0 में वेब 4.0 जुड़ा है तो ज्यादा आपसे एमसीक्यू के तौर पर हो सकता है, बड़ा सवाल नहीं हो सकता। बड़े सवाल के तौर पे आपको ये 3 तरीके के बिजनेस मॉडल B2C, B2B, C2C इनके टेबल को याद कर लेना और 9 टाइप के ये जो ई मार्केट्स थे हमारे को याद कर लेने हैं। मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है आपसे एग्जाम में आता हुआ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल और दूसरे आईओटी के 8 एग्जाम्पल। ये 9 कौन कौन से हमने पढ़े थे? ई शॉप्स, ई मॉल्स, ई ऑप्शंस, पोर्टल्स, बायर्स एग्रीगेटर्स, कम्युनिटीज, ई मार्केटिंग, ई प्रोक्योरमेंट और ई डिस्ट्रीब्यूशन विद योर एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 4 में होने वाले अमेंडमेंट्स को भी देखा। 3 तरीके के अमेंडमेंट आए, कोई डिलीशन नहीं, हम पहले बता चुके हैं कौन कौन से 3 अमेंडमेंट आए हमारे। पहला ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, 9 तरीके के ई मार्केट थे और 3 तरीके के बिजनेस मॉडल थे। पूरे इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है, हो सकता है आपसे जुलाई या नवंबर जब भी आपका एग्जाम होगा पूछ लिया जाए। सेकंड आया था इसमें वेब 3.0, ये इसमें कोई बड़ा थ्योरेटिकल सवाल मुझे लगता नहीं है। वेब 4.0 के बारे में एक माइनर सी डेफिनेशन एमसीक्यू हो सकती है, वो आपको याद रखेंगे। और लेकिन बड़ा जो चीज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो 8 एग्जाम्पल हैं वो आपको करना है, वो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं जुलाई अगस्त या नवंबर के एग्जाम के लिए जब भी होगा आपका। वेयरेबल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, कनेक्टेड कार, कनेक्टेड हेल्थ, स्मार्ट रिटेल और सप्लाई चेन को आपको देखना है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, और जैसा कि अब 4 वीडियोस आपके पास आ चुके हैं हमारे अमेंडमेंट और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट में, और इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है हमारे ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, गूगल प्ले स्टोर पर बत्रा सर के नाम से अवेलेबल है। आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे पीडीएफ बुक्स मिल जाएंगे, हमारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे उसके ऊपर। सीए फाउंडेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर किसी भी तरीके से आपको इन वीडियोस से हमारे चैनल पे आने से मदद मिलती है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि कम से कम 10 जरूरतमंद लोगों तक आप ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, हम आपकी हेल्प करने के लिए चैप्टर नंबर 5 CBS को पढ़ाने के लिए।